2006 में आया है। और क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं ध्यान से। एनडीए 2006 का क्वेश्चन है। देखो इसमें सेट दिया हुआ है ए इक्वल एन कोमा टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन एंड बी इक्वल दिया है आपको टू एन कोमा थ्री एन सच दैट बिलोंग्स टू एन। और यहां पर वो किसकी वैल्यू पूछिए बेटा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं। देखो ध्यान से ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं एन कोमा सिक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन आप तब तक पढ़ो ध्यान से। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखू आपको अपना माइंड लगाना है रफ कॉपी साथ में रखनी है और आपको खुद आइडिया लगाना है क्वेश्चन कैसे होगा ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है एन कोमा थ्री एन एन बिलोंग्स टू एन एंड और चौथा ऑप्शन है आपका फाइव। तो देखो ध्यान से आज के इस वीडियो से बेटे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं और फिर मैं आपको टॉपिक का कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा और ट्रिक भी बताते जाऊंगा तो आपको दोनों चीज सीखने का चांस मिलेगा। और सभी बच्चे वीडियो को 360p पर देखें जिससे उनको क्लियर दिखाई दे है ना ये। हाँ बेटा चले आगे। तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्वेश्चन का कमेंट करके जल्दी बता दो। क्वेश्चन का कोई आइडिया लग रहा है बेटा आपको n such that n belongs to n, n belongs to n का मतलब कि n natural number रख सकते हो। तो चलिए natural number कहाँ से start होते हैं एक से तो मैं n equal one रख देता हूँ। तो अब आप ये देखना option कौन सा आएगा ये मैं आपको short trick बता रहा हूँ। आप बिल्कुल 10 मिनट के 5 मिनट के question को कुछ सेकेंडों में ही कर सकते हो तो सारे question tricky आएंगे ध्यान से देखना। तो देखो n equal अगर मैं 1 रखूं तो आप देख रहे हो कि a में कौन से एलिमेंट आएंगे ए में आएंगे वन टू और फिर आप टू थ्री ऐसे रखते जाओ और एन की जगह टू रखेंगे तो होते हैं एक तो सेट बिल्डर और दूसरा होता है रोस्टर। तो ये तो किसमें लिखा है सेट बिल्डर में और मैं इसको किसमें लिख रहा हूं रोस्टर में। तो ये मैंने रोस्टर में लिख लिया। अब बी देखते हैं बी बी में ये वैल्यू रख के देखो तो वन रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टू थ्री टू रखेंगे तो आपका हो जाएगा फोर सिक्स थ्री रखोगे हो जाएगा ये सिक्स नाइन। और अब वो पूछ क्या रहा था ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बेटा ए और बी का कॉमन। तो आप देख सकते हो यहाँ कॉमन कोई आपको होगी कि एन की और भी हम वैल्यू रखे तो भी कॉमन मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा तो उसको क्या कहते हैं फाई। फाई का मतलब क्या होता है बेटा नल सेट। इसे आप वॉइड सेट भी कहते हो है ना वॉइड सेट। और हिंदी में कहें तो आपको इसका नाम क्या होता है रिक्त समुच्चय इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा डी। तो आपने देखा कि ट्रिक से हमने बिल्कुल ही क्वेश्चन को बना लिया है ना इस तरीके से। तो ऐसी नई नई ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी और सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं आज कोई भी फालतू क्वेश्चन है ही नहीं। सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर में से ही दिए हैं। चलते बेटा नेक्स्ट। सुमित्रा गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दो चीजें आपको इससे क्लियर होंगी एक तो ट्रिक क्लियर होगी कंसेप्ट का रिवीजन होगा और तीसरी चीज आपको ये भी आइडिया लगेगा कि प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं यानी 50% क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आते हैं जो पहले के प्रीवियस 10 से 10-12 सालों के अंदर पूछे गए हों। चलिए खैर दूसरा क्वेश्चन देखना ध्यान से ये भी आपका एनडीए 2006 का ही है। देखते हैं पावर एन सी टू की पावर टू एन और डी है आपका एन स्क्वायर ठीक ध्यान से देखना। देखो अब हाँ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं सभी को वीडियो क्लियर नजर आ रहा है कमेंट करके बता दो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने
क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा बेटा, एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ देखो ध्यान से, एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ ठीक है शाबाश। देखो अब सुमित्रा क्वेश्चन कैसे होगा, पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक्स कोई ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, और वो कह रहा है उसमें एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? एन। तो अब ये कह रहा है कि अगर एक्स अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करे, यानी रिलेशन संबंध बनाना शुरू करे, तो उनकी नंबर यानी उनकी संख्या कितनी होगी। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं पहले तो ये रिलेशन बनता कैसे। देखो जैसे मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, अब मान लो इसके पास पी एलिमेंट है और सेट बी है और इसके पास क्यू एलिमेंट है। तो आप जानते हो जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसे कार्तीय गुणनफल आप कहते हो, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। क्लियर? तो अब ये जो कार्तीय गुणनफल रिलेशन बनाता है, उन रिलेशन की जो नंबर होती है वो होती है 2 की पावर पी क्यू। क्लियर? लेकिन यहां इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ही सेट दिया है एक्स, और उस एक्स के पास भी कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। तो ये जो रिलेशन है 2 की पावर पी क्यू, इसमें p की वैल्यू भी n हो जाएगी, q की वैल्यू भी n हो जाएगी, तो ये आंसर आएगा 2 की पावर n स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट ट्रिक है, देखो ये कह रहा है a इक्वल x कोमा y सच दैट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है बेटा, और b ऑप्शन है आपका x कोमा y सच दैट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 0। ये दो आपको सेट दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हैं, और वैल्यू अपने से पूछी है ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की। अब आप कहोगे सर ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन बेटा ये रहे, मैंने क्या कहा आप रफ कॉपी लेके बैठो और खुद ट्राई करें किया करो क्वेश्चन को, जिससे आपको मेरे बताने से पहले आपको कर लेना है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन है आपका एक्स कुमा वाई सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है बेटा x कुमा वाई सच दैट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और चौथा ऑप्शन है हमारा x कुमा वाई सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा कोई आइडिया है किसी बच्चे के पास कौन सा ऑप्शन आएगा? If you have any idea, then please tell in comment box. कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहो बेटा, कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहो, मुझे पता चलता रहे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बोलो बेटा, कोई आइडिया क्वेश्चन का, कोई आइडिया दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बता दो जल्दी। हाँ बेटा बोलो जल्दी, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? अरे भाई कमेंट नहीं आ रहा अभी तक, कमेंट नहीं आ रहा बेटा, देखते हैं सामने देखना बेटा। अरे भाई कोई आइडिया लग रहा है क्या आपको? और नहीं लग रहा हो तो सामने देखना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को करने की। देखिए अब आप सोच रहे हो कि सर ये सब एनडीए 2006 में ही आए हैं। एनडीए में आपको पता है बेटा एक पेपर में क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं, जबकि टॉपिक जो है आपके पास 30 रहते हैं, तो एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। ये चलिए देखते हैं, तो इसमें एक के लिए कुछ मान ले रहा हूं, जैसे मैंने एक्स प्लस वाई को सपोज करो पी मान लिया, क्या मान लिया? पी। अब पहला ऑप्शन के हिसाब से p लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है और यहां p लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखो जैसे ये नंबर 9 है, ठीक, और आप देख रहे हो कि ये है 0 और ये है 4, तो पहले ऑप्शन के हिसाब से p लेस देन 4 है, यानी आपको नंबर 9 के ये एलिमेंट ले लेने, किसके हिसाब से? a के हिसाब से। अगर b के हिसाब से देखें तो वो कह रहा है कि p 0 से कम ले रहा है, 0 से कम का मतलब ये ले रहा है। तो अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन,
तो आप जानते हो ये जो पार्ट है वो तो कॉमन हो ही नहीं सकता, ये पार्ट कॉमन आएगा। तो यानी जीरो या जीरो से जो कम वाले एलिमेंट हैं वो आपके आएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके जल्दी बता दो बेटा, ऑप्शन कौन सा होगा? शाबाश हिंदुस्तान गेम्स, कमेंट करके बता दो बेटा। गुड मॉर्निंग, रेगुलर क्लास लिया करो बेटा, पूरी क्लास लिया करो। हाँ ऑप्शन सुमित्रा जो है डी, नहीं बेटा डी कैसे हो जाएगा, डी कैसे होगा, ऑप्शन बेटा जल्दी बताओ कमेंट करके, ऑप्शन का जल्दी कमेंट करो। अरे भाई मैंने क्या कहा, ए किसको ले रहा है चार से कम को, बी किसको ले रहा है जीरो से कम को, तो इसमें आपके कॉमन क्या होगा, कॉमन कौन सा होगा, कॉमन भाई ए तो यहां से पूरा ले रहा है और बी यहां से ले रहा है, तो कॉमन यही पार्ट तो होगा भाई। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है आपका एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो या जीरो से कम का। हाँ सुमित्रा शाबाश, ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी ऑप्शन होगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखो ये है आपका वेन डायग्राम, ठीक, और आपको पता है कि इस पूरे ग्रुप में 500 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 500। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि 475 हिंदी बोल रहे हैं और 200 बोल रहे हैं इंग्लिश, इसका मतलब ये होगा 625, लेकिन टोटल तो स्टूडेंट 500 ही हैं, इसका मतलब इसमें से इसे माइनस करें तो इसका मतलब 175 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, है ना। अब आप ये देख लो हिंदी के ग्रुप में हैं कितने, 475, तो पूरे ग्रुप में 475 आने चाहिए, तो ये 175 तो ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ कितने होंगे बेटा 300 होंगे। तो अब पूछ क्या रहा था, ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी वाले कितने हो गए 300, ओनली हिंदी वाले कितने हो गए 300। और अगर मान लो ये तो बी ऑप्शन हो गया, और अगर ओनली इंग्लिश का पूछता तो इंग्लिश के कितने थे 200, तो 200 में से 175 घटा देते तो 25 आ जाते। तो आपका देखो, देखना ध्यान से, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड एज फॉलोज। क्वेश्चन का अभी मैं आपको मतलब समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ लो। एम रिलेशन एन इंप्लाइज दैट एम प्लस एन इज ऑड, एम प्लस एन इज ऑड। अब ये कह रहा है कि विच ऑप्शन इज ट्रू। तो पहला है आपका यहां पर, देखिए यहां पर है, अब ये कह रहा है कि देखो ये कह रहा है यहां पर कि देखना कि इसमें कंडीशन कुछ, ये सॉरी ये कह रहा है कि यहां पर कंडीशंस है, देखिए कंडीशंस हैं। ए कंडीशन है आपकी कि आर इज रिफ्लेक्सिव, क्वेश्चन समझ लेना मैं बाद में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, और आर इज सिमेट्रिक और ये है आर इज ट्रांजिटिव और डी, ये डी नहीं है। अब देखो वो कह रहा है विच ऑप्शन इज ट्रू, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका टू ओनली, दूसरा ऑप्शन है टू एंड थ्री, थर्ड ऑप्शन है वन एंड टू और डी ऑप्शन है वन एंड थ्री। सभी बच्चे ढंग से समझना क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। अब ज्यादातर बच्चे तो इसमें ऐसे भी होंगे जो इन कंसेप्ट को पूरा नहीं पढ़े होंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले तीनों का कंसेप्ट देख लो क्या है, देखो पहले रिफ्लेक्सिव हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य को, किसको कहते हैं स्वतुल्य, तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए ए से। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर, देख लेना ध्यान से, जो बच्चे नए हो वो थोड़ा ढंग से देखना, जो 12th पास आउट है उन्होंने तो पढ़ा है चैप्टर,
वाई चांस चैप्टर नहीं पढ़ाओ तो कंसेप्ट समझ लेना, ये फिर दोबारा भी आएगा। ए रिलेशन ए, तो वो कह रहा था कि एम रिलेशन एन इंप्लाइज दैट एम प्लस एन इज ऑड, यही कह रहा था, ठीक समझना। अब एम की जगह जैसे कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने वन ले ली, ये ध्यान रहे यहाँ पे जेड, ये जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है इंटीजर, यानी आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो पॉइंट ऐसी नहीं होनी चाहिए 1.5 या इस तरह से, जेड का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक ही लेना है। तो m की वैल्यू जैसे आपने 1 ली तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 रिलेशन 1 इंप्लाइज दैट 1 प्लस 1 इज ऑड। अब आप इसको चेक करके देखो तो 1 और 1 तो 2 होता है, और 2 तो आपको पता है ऑड होता नहीं है, 2 तो क्या होता है इवन, इवन का मतलब सम होता है यानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया फेल। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब ए, तो इसमें ये देख लो कि वो क्या कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव इसका मतलब जिन जिन ऑप्शन में है वो फेल हो जाएंगे, तो 1 and 3 वाला ऑप्शन गया, 1 and 2 वाला गया। अब जो सारी बात है बेटा वो किस पे टिकी है, इन 2 और 3 पे, ये दो ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गए, कौन से, सी और डी। अब चलिए चेक करते हैं, सामने देखना बेटा, अब चेक करते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिमेट्रिक। देखो दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हिंदी में किसको कहते हैं, सममित को। सममित का मतलब क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। जिन बच्चों को रूल नहीं पता है वो इनको नोट डाउन कर लेना भले ही से कि सममित का रूल क्या होता है, यहाँ उसका स्वतुल्य का क्या रूल था, है ना, इस तरीके से वीडियो के देखो। अब जैसा कि अपन जानते हैं अगर m प्लस n ऑड है तो 100% अगर कोई n प्लस m करे उल्टा तो वो भी आपका ऑड ही होगा। जैसे अगर मान लो 1 प्लस 4 है, अब ये 5 है यानी ऑड है, तो आपको पता है 4 प्लस 1 भी 5 होगा यानी ऑड होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक 100% सही है। तो यानी जो दूसरा है बी ऑप्शन बी, अब ये कह रहा 2 ओनली और ये कह रहा 2 and 3, यानी अभी भी दिक्कत है। अब हमें 3 का चेक करना है, अगर 3 भी सही हुआ तो बी ऑप्शन हो जाएगा, और 3 रॉन्ग हो गया तो ए ऑप्शन। अब चलिए 3 के लिए हमें सीखना पड़ेगा ट्रांजिटिव का रूल। तो जो बच्चे ट्रांजिटिव का रूल नहीं जानते ध्यान से देखना। देखो अब इस वीडियो से फायदा क्या है आपको, इसमें आप ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी समझ रहे हो, कंसेप्ट का भी रिविजन है ना ये। हाँ बेटा सभी बच्चे बिल्कुल फर्स्ट क्लास, देखो ध्यान से। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है बेटा, देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रमक, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रमक, है ना। अब ये संक्रमक रूल क्या होता है, इसको संक्रामक भी कह सकते हो, संक्रमक भी कह सकते हो, है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। जैसे ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। चलो चेक कर लेते। अब आपको पता है जैसे मान लो 1, 4 आपका इनका टोटल ऑड है, ठीक, मान लो आपने देखा 4, 3 का टोटल ऑड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 का 3 से टोटल करूं तो 1, 3 जो है वो 4 हो जाएगा, वो ऑड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ ए का बी से तो हो रहा है, बी का सी से भी हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ए का रिलेशन जो है वो सी से नहीं बन पा रहा है ना, ए का सी से नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिटिव है वो हो गया फेल, और पहले रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी फेल हो गया था, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सिमेट्रिक यानी 2 only। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 only। देखो अगर कंसेप्ट पता है तो बहुत जल्दी कर सकते हो, और कंसेप्ट नहीं पता तो थोड़ी दिक्कत आएगी। देखो आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है ये, ठीक है ये, और यहां पर ये है पी क्यू और आर, और ऑप्शन आपके कुछ इस तरह हैं। जल्दी रेडी हो जाओ, देखे कौन बच्चा करेगा, पी यूनियन क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। सेकंड ऑप्शन है बेटा पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तीसरा ऑप्शन है P
पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर, डी ऑप्शन है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, ये चार ऑप्शन है। क्लियर? अब जल्दी बता दो बेटा इनको करके, बताओ जल्दी, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको करेगा। जल्दी ऑप्शन बताओ, जल्दी बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा। हाँ शाबाश, बोलो जल्दी। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टेस्ट में सॉल्व कुछ नहीं करना है, वेन डायग्राम को देख के आंसर देना है। नरेंद्र स्वामी ने बताया है सी ऑप्शन, देखो इधर सामने देखना, सी ऑप्शन। और देखते हैं और भी किसी का है कि फाइनल सी कर रहे हो। चलिए चेक कर लेते, आपको पता है कि ये पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट है बेटा ये है पी और क्यू का कॉमन, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट कौन सा है, पी और आर का कॉमन, पी और आर का कॉमन। और अब आप ये देखो इन दोनों का कॉमन ले रहे हो, पूरे को ले रहे हो, यानी इसको भी लेना चाह रहे हो, इसको भी, तो बीच में लगेगा यूनियन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बता दो जल्दी, ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा। हाँ डी, नरेंद्र स्वामी शाबाश, डी ऑप्शन। ये कह रहा है एम जो है वो सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, ऑल ट्रायंगल्स यानी इसमें सभी ट्रायंगल आ रहे हैं, देखते जाना ऑप्शन क्या है। पी है आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल्स का है, आइसोस्केलिस का मतलब होता है समद्विबाहु, और क्यू है आपका यहां पर इक्विलेटरल का, इक्विलेटरल, और आर है आपका राइट ट्रायंगल। तो इसमें ये कह रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू एंड आर माइनस पी कौन होंगे, तो ऑप्शन है आपके आइसोस्केलिस और नॉन आइसोस्केलिस राइट ट्रायंगल। अभी मैं आपको इसके मतलब बता दूंगा, आइसोस्केलिस नॉन आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल, और बी ऑप्शन है बेटा यहां पर आइसोस्केलिस ट्रायंगल, आइसोस्केलिस एंड राइट ट्रायंगल। सी ऑप्शन है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल। और डी है बेटा यहां पर आइसोस्केलिस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चार ऑप्शन है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में करना क्या है, गौर से देखना बेटा करना क्या है, देखो ध्यान से देखना। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब है यहां पर सभी त्रिभुज की बात हो रही है, जितने भी त्रिभुज होते हैं सारे। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का मतलब है समद्विबाहु की बात कर रहा है, समद्विबाहु उसको कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल कहते हैं बेटा समबाहु को जिसमें कि तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। और डी ऑप्शन है राइट ट्रायंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज को जिसमें एक कोण 90 होता है। अब ये कह रहा है कि इन चारों को आप देख लो गौर से, और आपको वैल्यू बतानी है पी इंटरसेक्शन क्यू की और आर माइनस पी की। तो चलो एक एक करके देखते हैं, देखो एक एक करके, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब है पी और क्यू का कॉमन, तो पी कौन है बेटा आइसोस्केलिस और क्यू कौन है इक्विलेटरल समद्विबाहु समबाहु। तो इन दोनों का जब कॉमन करेंगे तो आपको पता है कि जो समद्विबाहु होता है उसमें दो साइड इक्वल होती हैं और जो समबाहु होता है उसमें तीन साइड इक्वल होती हैं। तो जब आप इनका कॉमन लेंगे P और Q का, तो कौन सा हो जाएगा आइसोस्केलिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो साइड आपको इसमें भी कॉमन हो जाएगी। तो P और Q का कॉमन क्या मिल जाएगा आइसोस्केलिस। तो इसका मतलब जो ये इक्विलेटरल वाला दे रखा है आगे, सी ऑप्शन गया काम से,
अब रेस में तीन ऑप्शन बचे, क्योंकि तीन ऑप्शन तो पी इंटरसेक्शन क्यू को आइसोस्केलेसी बता रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आर माइनस पी, इससे देखते हैं दूसरे नंबर पे इसका लिखा। आर माइनस पी का मतलब है आर में से पी माइनस कर दो। आपको पता है माइनस करने का क्या मतलब होता है, कि जैसे आर में से पी माइनस करना है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आर में से आर और पी का इंटरसेक्शन हटाना है, माइनस करने का यही मतलब होता है सेट में। तो आप ये देखो आर में कौन है, आर में है राइट ट्रायंगल, आर में कौन है राइट यानी समकोण है, और आर इंटरसेक्शन पी में कौन से हैं, आर इंटरसेक्शन पी का मतलब आर और पी का कॉमन है ना। देखो आर और पी का कॉमन का मतलब है कि ये आर में तो है आपके राइट समकोण और पी में है समद्विबाहु, तो यानी ऐसे हटा देने हैं जो समकोण और समद्विबाहु हो, यानी आर प्लस आइसोस्केलेशन। तो अब वो कह रहा है कि राइट में से आप उनको हटा दो जो आइसोस्केलेस हो, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो नॉन आइसोस्केलेस यानी जो आइसोस्केलेस तो नहीं है लेकिन राइट है, राइट का मतलब समकोण है, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा पहला, जल्दी बता दो बेटा, ए ऑप्शन, शाबाश ए ऑप्शन। हाँ बेटा कोई दिक्कत किसी की, मतलब ए ऑप्शन आपने बोलो, क्यों बोला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपने इसलिए बोला क्योंकि आपने देखा आर में से पी माइनस करना था, तो आर का मतलब था राइट ट्रायंगल और पी का मतलब था आइसोस्केलेस, तो वो कह रहा राइट तो लेना है लेकिन आइसोस्केलेस नहीं लेना है, तो इसका मतलब नॉन आइसोस्केलेस वाला ऑप्शन हो गया ये, ठीक। इस तरीके कर लिया तो एयरफोर्स के तो इजीली कर लोगे। चलिए तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रिलेशन वाई इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, क्लियर। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, देन एक्स कोमा वाई इक्वल, एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, देखिए 06 बी है आपका यहां पर रूट 11 एंड 5 एंड 3 कोमा रूट 3, और सी ऑप्शन है बेटा यहां पर 60 एंड 06। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा, और ये है 5 कोमा रूट 11 एंड 4 रूट 2 कोमा 2। जल्दी बता दो बेटा इन चारों में ऑप्शन कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ, देखते कौन स्टूडेंट बताएगा। अब मैं आपको पहले मतलब क्वेश्चन का बता दूं अगर दिक्कत आ रही हो, वो ये कह रहा है कि x और y में ऐसा रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर 36 आ जाना चाहिए, और ये ध्यान रहे x और y z, z का मतलब इंटीजर हो, इंटीजर किसको कहते हैं पूर्णांक को, क्लियर। तो वो कह रहा है एक्स वाई की कौन सी वैल्यू इन चारों में से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जल्दी बोलो आंसर। सुमित्रा, नरेंद्र स्वामी, प्रकाश, सवा, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अशोक, अशोक का कितना है बेटा अशोक, हाँ सी ऑप्शन शाबाश। देखो ध्यान से सी क्यों, क्योंकि बी हमको नहीं लेना है, पहली बात तो देखो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, क्योंकि जेड क्या है, जेड जेड है इंटीजर, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गायब हो गए क्योंकि इनमें रूट है ना, तो रूट वाली आप जानते हो इरेशनल नंबर होती है, ये आपकी कभी इंटीजर नहीं हो सकती। अब आपका 06 है, 06 वैसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 06 के साथ 60 भी कर रहा है, तो अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो हम ए को आंसर देते, लेकिन सी के दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए हम अपना आंसर किसे कहेंगे। और ये कह रहा है कि अब यहां पर कह रहा है कि देन देन अब ये कह रहा है आपका ऑप्शन कौन से, देखो ये कह रहा है बी इज प्रॉपर, बी इज प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, पहला ऑप्शन। तब तक ये जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं
तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के अंदाज लगाया करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि मैं पूरा लिख दूं, तब तक आप क्वेश्चन को मतलब समझा करो। ये कह रहा है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स। ये सी ऑप्शन है बी इक्वल फाइव एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। देखो जो ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आपको लिख के दे रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक, इसकी वैल्यू पूछी है। अब पहला कह रहा है कि बी इज प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब, प्रॉपर का मतलब होता है उचित और नॉन एम्प्टी यानी अरिक्त। नॉन एम्प्टी यानी जो बी है वो फाई नहीं होना चाहिए, यानी बी में कुछ एलिमेंट होने चाहिए, और बी प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। क्लियर? प्रॉपर सबसेट देखो किसको कहते हैं, जैसे ए मान लो 1 2 है और बी आपका 1 2 3 है, तो इसको कहते हैं, ये सॉरी बी 1 है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय है। अब मुझे यहां पर साफ दिख रहा है कि आंसर, ये सॉरी यहां पर सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, ये आपका ए है, ए है ना, ये तो ए है। तो सीधी बात है, ए लाने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर बी का एलिमिनेशन कर दें तो आपको पता है ए आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, चलिए सी ऑप्शन बी इक्वल फाइव लिख के देखता हूं, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं दूसरे देखेंगे। बी की जगह अगर मैं फाइव लिखूंगा तो ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए। अब आपको पता है ए में से फाइव माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और फाइव में से ए को माइनस करेंगे तो फाइव आएगा, और ए यूनियन फाइव, ए और फाइव का यूनियन करोगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, समझ लो चारों चीजों का मतलब। हाँ मयंक बेटा आज लेट कैसे, मयंक आज लेट क्लास कैसे ज्वाइन करी बेटा। हाँ देखो सामने क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य कब होता है बेटा, जब ए का रिलेशन ए से हो, ए का रिलेशन किससे हो, ए से। ए का रिलेशन ए से हो। और सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक कहते हैं किसको, है सममित को। सममित का मतलब होता है जब ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, है ना। और ट्रांजिटिव का मतलब मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, संक्रमक होता है। इसका क्या मतलब है कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी सी से होना चाहिए। और जब ये तीनों रिलेशन बिल्कुल ट्रू हो जाते हैं, तीनों ही रिलेशन सत्य हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध, जब तीनों ही सही हो जाएं। तो यानी डी ऑप्शन तो तब होगा जब ये तीनों ही सेट बैठ जाएं, बिल्कुल बढ़िया, है ना। अब देखना कैसे चेक करते हैं कौन सा होगा, दिमाग लगाना। देखो ये कह रहा है एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, तो आपको पता है कि अगर x का रिलेशन हम x से करें तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा, चाहे आप x की जगह कोई भी इंटीजर ले लो, है ना, कुछ भी लेके देख लो, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा ही होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाला जो मामला है वो आपका सही हो गया, रिफ्लेक्सिव तो पास हो गया। अब आपको पता है कि अगर एक्स और वाई का जो इंटू है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वाई एक्स भी आपको 100% पता है कि ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी यहाँ ए से हो रहा है, तो आपका सेकंड भी ट्रू हो गया, सिमेट्रिक भी पास हो गया, है ना। सारे बच्चे बेटा कंटिन्यू देखो ढंग से। तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या बेटा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आपको पता है कि अगर कभी भी x और y का प्रोडक्ट जीरो है, वो सॉरी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, और y और z का प्रोडक्ट भी अगर जीरो से बड़ा है,
तो 100% एक्स और जेड का भी आप करके देख लेना, चाहे कोई नंबर ले लेना, वो जीरो से बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब ये भी सही हो गया। और जब तीनों ही सही हो गए तो बेटा ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। जल्दी कमेंट करके बता दो। यह है वेन डायग्राम आपका ए बी सी, और इसमें अपने को ये चीज लानी है कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेकंड ऑप्शन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी माइनस सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये चार ऑप्शन है आपके। अब बता दो जल्दी जल्दी बता दो, देखते हैं कौन आंसर जब से पहले देगा। वेन डायग्राम से डायरेक्ट लाना है, देखते हैं कौन आंसर बताएगा सबसे पहले। हाँ बेटा, जल्दी बता दो आंसर। आंसर आया नहीं बेटा अभी तक। क्वेश्चन तो सीधा ही है, क्वेश्चन तो सीधा ही है। बोलो बेटा जल्दी। अरे भाई देखो यार, ये पार्ट आप देखो, ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है? ये पार्ट कर रहा है आपका डिनोट किसको? ए और सी के कॉमन को, ए इंटरसेक्शन सी को। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कॉमन पार्ट, ये आपका कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को, बी और सी के कॉमन को। अब आपको इन दोनों का कॉमन नहीं लेना है, बल्कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, पूरे को लेना है। पूरे को लेना होता है तो बीच में आता है यूनियन। अब आप देखो कि इंटरसेक्शन सी यहां भी कॉमन है और इंटरसेक्शन सी यहां भी, तो इसको अगर अपन बाहर ले जाएं तो अंदर बचेगा ए यूनियन बी। अब जल्दी बता दो ऑप्शन कौन सा होगा। यहां पर ए इक्वल तीन सेट दिए हुए, देखो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स की वैल्यू आपकी -9 से 4 तक लेनी है। बी कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ये -13 से और ये आपकी 5 तक लेनी है। सी कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ये -7 से आपको लेनी है 8 तक लेनी है। और अब यहां चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ए है आपका -9 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी ऑप्शन है -7 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी है आपका 4 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और डी है 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गौर से देखना बेटा, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है तीनों का कॉमन। तीनों का कॉमन। देखो बेटा ध्यान से, बोलो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है तीनों का कॉमन। अब देखो यहां पर है क्या चीज, जैसे कि अगर हम नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन देखना ध्यान से, तो ए क्या कह रहा है कि मैं -9 से 4 तक ले रहा हूं। ए कह रहा है कि मैं -9 से 4 तक ले रहा हूं, ये एरिया किसका है? ए का। और बी कह रहा है कि मैं -13 से 5 तक ले रहा हूं, -13 से 5 तक, ठीक। और सी कह रहा है कि मैं -7 से और 8 तक ले रहा हूं, सी कह रहा है -7 से 8 तक। तो अगर आप गौर से देखो तो तीनों में कॉमन आपको वो मिलेगा जो -7 से ऊपर होगा, है ना, -7 से ऊपर हो और 4 से नीचे हो, यानी -7 और 4 के जो बीच में होगा, है ना, वो आपको कॉमन मिल जाएगा। ये ध्यान रहे 4 कॉमन में नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 इसके पास नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, आपका केवल लेस देन लगा है। तो पहला ऑप्शन अगर देखें
तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई मैं -9 को ले रहा हूं, लेकिन आप देखोगे -9 को सी नहीं ले रहा है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है आपका बी ऑप्शन कह रहा है कि मैं -7 को ले रहा हूं, तो -7 को अगर आप गौर से देखें तो सी भी ले रहा है -7 को, क्योंकि इक्वल लग रहा है, और ये भी -7 को लेगा क्योंकि -13 और 5 के बीच में ही है, और ये भी -7 को लेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। जल्दी बता, यानी सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, कोई सेट ए है उसके पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। ऑप्शन आपके ये हैं 16, 32, सी है आपका 64, डी 128। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पी ऑफ ए का मतलब होता है बेटा पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं, घात समुच्चय को, और इसकी ट्रिक आपको पता होगी, 2 की पावर n होती है ना, जो पावर सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। तो जल्दी आंसर बता दो, कौन बताएगा देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देगा। हाँ बेटा, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, 16 ए ऑप्शन, शाबाश बेटा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। पावर सेट का मतलब तो जानते ही हो, देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो पावर सेट होता है, देखो जो पावर सेट होता है उसको कहते हैं सेट ऑफ सबसेट, यानी उप समुच्चयों का समुच्चय। जैसे मान लो ए इक्वल 1 2 है, कोई सेट है ना, अब इसके देखो इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, उप समुच्चय 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 1 2 बनेगा। अब जो पावर सेट होता है वो क्या होता है कि इन सबको अगर मिला के सेट बना दें तो इस सेट को अपन क्या कहते हैं, पावर सेट, है ना। सी ऑप्शन नरेंद्र कह रहा है, सी ऑप्शन प्रकाश का भी सी, देखते हैं सी है क्या। देखो ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल्डनेस। आपने डिमॉर्गन रूल पढ़ा होगा, डिमॉर्गन डिमॉर्गन कहता है कि ए यूनियन बी के होल डैश को अपन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कराओ तो ए इंटरसेक्शन ए डैश और इंटरसेक्शन ये रहा, अब ए इंटरसेक्शन को किसके साथ ले जाओगे, बी डैश के साथ। तो आपको पता है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं, और इधर चल रहा ए इंटरसेक्शन बी का फाई, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब फाई और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो फाई का तो किसी के साथ भी कॉमन देखोगे तो वो क्या रहेगा, फाई ही रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा। ये कह रहा आर इक्वल एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स कोई नेचुरल नंबर है, और ये कह रहा है कि एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 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 एक्स लेस देन 100। ठीक है, और एस एक और दूसरा सेट है, इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 100। ठीक, अब ये कह रहा है देन देन नंबर ऑफ आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर, इसकी वैल्यू पूछी है, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका 36, 33, 20 एंड 6, और क्वेश्चन है आपका एनडीए 2009 का। अब गौर से देखना ध्यान से, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं बेटा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेना क्या है। देखो
ये कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत है, तीन का मल्टीपल है, मल्टीपल कहते हैं जो तीन से डिवाइड हो जाए, जैसे 3, 6, 9 इस तरह। और कह रहा है एक्स की वैल्यू 100 या 100 से कम है ना। ये तो यानी कहने का मतलब आपके आर में किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, इस तरीके के आएंगे जैसे 3, 6, 9 और 99 है ना, इस तरीके के आएंगे। अब एस कह रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 का मल्टीपल है और ये भी 100 तक है, तो एस में कौन से आएंगे बेटा, 5, 10, 15 और 100 तक आएंगे इसमें, यही आएंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर आर का एस से अपन क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपको पता है कि आर में कितने एलिमेंट हैं, 33 एलिमेंट हैं, और एस में कितने एलिमेंट हैं, 5 से 100 तक 20। तो वो कह रहा है कि आप आर का एस से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो जब आप आर का एस से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बेटा तो 33 × 20 यानी 660 हो जाएगी, यानी 660 जो है वो एलिमेंट आएंगे। हम होगा देखते हैं, अब गौर से देखें ध्यान से। अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, देखो ये है आपकी सुपर फास्ट ट्रिक, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है सुपर फास्ट ट्रिक क्या है, देखिए कभी भी नंबर ऑफ आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर पूछा जाए तो एक रूल होता है जिसको कहते हैं लामी रूल। ये डीएल लामी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। लामी रूल क्या है देखिए कि नंबर ऑफ आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर जो होता है ये हमेशा आपका आर इंटरसेक्शन एस क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर के इक्वल होता है, क्लियर। ये अब एक बात देखना ध्यान से, नंबर ऑफ आप ये देखो आर इंटरसेक्शन एस, आर और एस में कॉमन कौन है, आर और एस में कॉमन कौन है, आर और एस में आप ये देखेंगे कि आर और एस में देखो आर में तो वो आएंगे जो तीन की टेबल में आते हो 3, 6, 9 और इस तरह 15, 20 और इसमें वो आएंगे जो 5 की वजह से 5, 15 और इस तरह से है ना 20। तो इन दोनों का आप यहां कॉमन देखो, कॉमन आर इंटरसेक्शन एस, तो आप जानते हो कि आर किसका मल्टीपल है 3 का और एस किसका मल्टीपल है, देखो आर है 3 का मल्टीपल और एस है आपका 5 का मल्टीपल है ना। तो हमेशा ध्यान रखना आर और एस में जो कॉमन होंगे वो होंगे जो 3 × 5 यानी 15 के मल्टीपल हो, 15 यानी 15, यानी 15 से जो कट जाएंगे जैसे आपके 15, 30, 45, 60, 75, 90 आप देख सकते हो ये 3 से भी कट जाएंगे और ये 5 से भी कट जाएंगे, तो ये आपके कॉमन में आएंगे है ना। तो ये कितने एलिमेंट हैं आपके टोटल, ये हैं 6 एलिमेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आप देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब आपके पास देख रहे हो कि नंबर ऑफ ए भी है नंबर ऑफ बी है लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, आपको एक चीज जरूर दी है नंबर ऑफ ए माइनस बी दिया है 47। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बेटा होता है, आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। अब आप देख सकते हो कि ये तो आपका चल ही रहा है और नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 115, ठीक। अब इसको अगर मैं इधर ले जाके माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना हो जाएगा, 68, यही हो जाएगा ना। बस अब आप इस वैल्यू को यहां रख दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर, तो चलो 115 इसे माइनस कर दो, ये आपका हो गया कितना, यहां आपका हो गया और इसको ऐड कर दो 3 और ये 7 हो गया और ये 2, 2, 7, 3 कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है बेटा 273। कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं हो गई, हाँ नरेंद्र कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है बेटा, मुझे ऐसा ही करना है। ये आपका हो गया कितना, हाँ ये 8 × 5 = 13 + 5 = 6 × 7 और ये 1 + 1 = 2 ही होगा, 273 हो रहा है, हाँ 273 हो रहा है ना, 273 ही हो रहा है। खुशबू
खुशबू आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो, बोर्ड की है ना, बोर्ड की 12th एनसीईआरटी की क्लास लो डेली। हाँ ऑप्शन सही करो। हाँ बेटा ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिस्टेक होगी, ऑप्शन ए है 273। ट्रिक तो क्लियर है ना, आंधे पर्सनल चैट नहीं करें, सिर्फ क्वेश्चंस को ट्राई करें और उनके आंसर्स दें। सभी बच्चे क्वेश्चंस के ऊपर, हाँ सामने देखना, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। ये आप कमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। और आप वीडियो देखने इसीलिए आए हो क्योंकि आपको जो है पर्सनल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, सामने देखिए। हाँ बेटा सामने देखना, बोर्ड पर देखें। देखो ये कह रहा है इफ ए इज वॉइड सेट, यानी ए कोई वॉइड सेट का मतलब होता है यानी फाई, नल सेट। ठीक, ए फाई दे रहा है यानी इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर, कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब ये देखना ध्यान से, तो वो ये कह रहा है कि P ऑफ ए, P का मतलब होता है पावर सेट, घात समुच्चय। तो A का अगर 4 बार घात समुच्चय निकालें तो उसका आंसर क्या आएगा। यहां मैं अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए जो नंबर ऑफ PA है, नंबर ऑफ PA, PA का मतलब A के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, क्योंकि ये फाई है तो इसके पास तो कोई अवयव नहीं है, तो 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। सही है। अब ये वाला पी ए तो आपने सॉल्व कर लिया, अब इस पी को सॉल्व करना है। तो फिर से वही ट्रिक है, नंबर ऑफ पी ए 2 की पावर n, लेकिन अब n कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। अब ये वाला पी भी देखो सॉल्व हो गया। अब इस पी पे आ जाओ, नंबर ऑफ, ट्रिक देखना, नंबर ऑफ पी ए इक्वल 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू अब आएगी 2, तो 2 की पावर 2 हो गई 4। अब ये वाला पी भी सॉल्व हो गया। ट्रिक देखते जाना, ट्रिक क्या है, देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन वो आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करेगा कंपटीशन में। अब नंबर ऑफ पी ए, अब आप ये देखो बाहर वाला, ये वाला पी सॉल्व करेंगे तो फिर से वही ट्रिक है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की जगह लगेगा 4, जो हो गया 16, यानी डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह ये ट्रिक है। यहां जो बच्चे नए आए हो मैं उसको बता दूं, पी ऑफ ए का मतलब होता है बेटा पावर सेट, पावर सेट को हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। सही है ना, ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन क्रॉस एन, ऑन द सेट एन क्रॉस एन एज, ये अब रिलेशन है, ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी इंप्लाइज दैट ए प्लस बी ए सॉरी ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। अब ये कह रहा है देन आर इज, देन आर इज, अब ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा है आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, सी है इक्विवेलेंस और डी है रिफ्लेक्सिव ओनली। देखो ध्यान से, सिमेट्रिक का मतलब सममित, सममित आप जानते ही हो कब होता है, जब ए का रिलेशन बी से हो और बी का ए से हो, पी का ए से हो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब आप जानते ही हो कि ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का बी सी से होना चाहिए। और इक्विवेलेंस किसको कहते हैं बेटा, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तब उसको इक्विवेलेंस यानी तुल्यता कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव यानी केवल स्वतुल्य। चलिए देखते हैं अब ट्रिक क्या रहेगी। ये क्वेश्चन जो है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में यूं का यूं दे रखा है, 12th क्लास में, 12th क्लास के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th क्लास का। ठीक, ध्यान से देखना, इसीलिए मैं बच्चा बच्चों आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो आपने एनसीईआरटी में से यू का यू दे दिया, अब देखना इसको चेक करेंगे। सबसे पहले कह रहा है ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी इंप्लाइज दैट
कि ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य चाहिए तो आपको अब सी डी की जगह भी ए बी लिखना है, यानी एक जैसे आने चाहिए, है ना। ये ध्यान रहे यहां पर इसका मतलब ए से है और इसका मतलब बी से है। जैसे आप ए रिलेशन बी चेक करते हो ना, तो ये ए है ये बी है, इस तरह से देखो इनको। तो अब आप यहां देखो ए प्लस ये सॉरी ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी है। हाँ, तो ए प्लस डी का मतलब पहले का चौथे से। तो जब आप पहले का चौथे से करोगे तो ये ए प्लस बी आएगा, और इधर इधर बी प्लस सी यानी दूसरे का तीसरे से, तो ये बी प्लस ए। और आप जानते हो कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, इसका मतलब बेटा रिफ्लेक्सिव तो पास हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया पास। क्लियर। यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव पास होने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ए और बी ऑप्शन कैंसिल हो गए। बताओ ए और बी कैसे कैंसिल हो गए, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्सिव को मना कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य को। तो अब या तो हो सकता है डी ऑप्शन या हो सकता है सी। सी कब होगा, जब तीनों सही हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी सही हो जाए, सिमेट्रिक भी सही हो जाए और ट्रांजिटिव भी सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे किसका, अब हम देखेंगे यहां पर सिमेट्रिक को चेक करेंगे, है ना। सिमेट्रिक को देखो, ये रहा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। तो मैंने बताया था ए में किसको मान रहा हूं, ए को मां बी को, बी किसको मान चेक करना है ए बी से, सी डी का किससे है ए बी से। तो वो कह रहा था पहले का चौथे से देखो, तो सी का तो बी से और दूसरे का तीसरे से, तो डी का ए से। ये तो सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए, और ये ऑलरेडी वो कह रहा है कि ये दोनों ये लाइन बिल्कुल सही है पहले के हिसाब से, तो इसका मतलब सिमेट्रिक पास हो गया। अब चलते हैं किसमें, अब चलते हैं अपन किसमें। अब देखो सिमेट्रिक पास होते ही अब ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों तो एक ही ऑप्शन में आ सकते हैं, किसमें, आपके इक्विवेलेंस यानी तुल्यता में। तो अगर आप ट्रांजिटिव चेक भी करोगे तो वो भी बिल्कुल सही निकलेगा। जो है वो तो है, मान लो किसी क्लास में हिंदी में अच्छे, आर गुड इन हिंदी, 63 है वो गुड है किसमें, मैथ में, ठीक है। डेटा पे ध्यान देना, 41 मैथ में, 41 अच्छे हैं इंग्लिश में, 41 इंग्लिश में, 18 जो है वो है आर गुड इन हिंदी एंड मैथ, हिंदी एंड मैथ, एंड 10 जो गुड है वो ऑल थ्री, यानी ये हिंदी मैथ और इंग्लिश तीनों में अच्छे हैं, ठीक। ये तो अब यहां ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब यहां दो क्वेश्चन है, एक में से ही क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, एक में से ही दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। तो पूछे हैं नंबर ऑफ, इसमें बताना है हाउ मेनी आर गुड इन हिंदी और मैथ बट नॉट इंग्लिश। यानी हिंदी और मैथ में तो, हिंदी या मैथ में तो अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं है, ठीक। और इसके ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 99, 107, सी ऑप्शन है 125, डी 130, ठीक। और इसका जो 20 नंबर पे क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश। और इसके ऑप्शन है 18, 12, 10 and 8। अब देखो दोनों क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन। हाँ बेटा गौर से देख रहे हो, देखो ये चीजें मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिखी हैं, आप मतलब समझ जाना। अब आप कहोगे सर इसका और इसका मतलब तो ये तो एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे नहीं है, यहां तो हिंदी और मैथ है,
हिंदी और मैथ का मतलब है हिंदी या मैथ, यानी हिंदी के भी ले सकते हैं और मैथ के भी ले सकते हैं, और जो दोनों में है उनको भी ले सकते हैं। और हिंदी एंड मैथ, एंड और में क्या फर्क है, और में तो सभी लेने हैं, एक में हो उसको भी लेना है, जैसे कोई हिंदी में है और मैथ में नहीं है उसको भी लेना है, लेकिन एंड का मतलब ये होता है कॉमन, यानी वो ही ले सकते हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश वाले ना तो इसमें लेने हैं ना इसमें लेने हैं। अब दोनों के आंसर क्या क्या होंगे बेटा, ढंग से देखना है ना। हाँ बेटा ढंग से देखना सभी बच्चे और से। कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार हाई लिख दोगे मुझे, देखो सामने। हाँ देखो ढंग से कौन सा क्वेश्चन आएगा। शाबाश प्रकाश। हाँ तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से है। देखो यहां पर ये मैंने आपका वेन डायग्राम बना लिया, ये हिंदी ले ली, ये ले ली इंग्लिश, और ये ले लिया मैथ, सही है। देखना अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो क्वेश्चन एक में ही है। देखो जैसा आप देखते हो कि एनडीए में एक क्वेश्चन आपका जो होता है, देखो इधर ध्यान से, तो 300 नंबर का पेपर होता है और 120 यानी एक क्वेश्चन आपका दो नंबर ढाई नंबर का होता है, तो एक तरीके ढाई और ढाई यानी ये वेन डायग्राम आपको पांच नंबर दिला सकता था एग्जाम में, अगर किसी ने एनडीए की एग्जाम दी हो तो। देखो अब ये कह रहा है हिंदी में 54 है, हिंदी में कितने हैं 54, ठीक है हिंदी में आपके 54 है। हाँ बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट का देखो इसने आंसर दिया फर्स्ट का 89, नहीं बेटा नहीं 89 तो नहीं है, और सेकंड का 8, सेकंड का तो 8 सही है बेटा। देखो ये कह रहा है 54 तो कौन से हैं हिंदी में, है ना 54 हिंदी में। अब ये कह रहा 10 ऑल थ्री में है, तो 10 तो यहां रख दो ऑल थ्री, ठीक 10 तो ऑल थ्री में हो गए। अब हिंदी और मैथ में कितने हैं 18, तो हिंदी और मैथ में 18 तो ये पूरे में यहां 18 है तो यहां आएंगे 8, तभी तो 10 और 8 18 होंगे ये। अब हिंदी में कह रहा था कि 54 है, तो 54 में से 10 और 8 गए तो यहां बचेंगे 36, ये 36 कौन से हुए जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक। अब 63 किसमें है बेटा मैथ में है, 63 मैथ में है, और 41 किसमें है बेटा इंग्लिश में है, 41 इंग्लिश में है, ठीक है ये 63 हो गए, ये तो 63 हो गए मैथ में और ये हो गए आपके 41, ठीक है ये ध्यान से देखना। अब यहां पे एक चक्कर है, देखो वो क्या कह रहा है, यहां थोड़ा वो समझने की बात है। देखो अब ये कह रहा है हाउ मेनी आर गुड इन हिंदी और मैथ, कि हिंदी और मैथ यानी दोनों को ले सकते हैं लेकिन इंग्लिश वाले नहीं लेने हैं, तो इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि ये वाले अपने को माइनस कर देने हैं, ये वाले माइनस कर देने हैं, ठीक है ना इस तरीके से। ये सॉरी यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हिंदी ओनली ओनली लो यहां पे तब बैठेगा है ना, ये जैसे ये मैथ ओनली और ये 54, इस तरीके का क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये कह रहा है हिंदी या मैथ के लेने इंग्लिश के नहीं लेने, तो हिंदी या मैथ के लेने हैं इंग्लिश के नहीं लेने, तो आप देखो कौन कौन से ऐड होंगे, 54 तो ये ऐड होगा इंग्लिश वाले को हटा दो, और 8 ये होगा और 63 ये होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 तो ये हो गया और 63 ये हो गया, यानी 125 हो गया, 125 यानी सी ऑप्शन तो इसका हो गया सी। और अब ये कह रहा है ये इस 20 नंबर को देखना, ये कह रहा है हिंदी और मैथ के लेने हैं लेकिन इंग्लिश के नहीं लेने, हिंदी और मैथ के लेने लेकिन इंग्लिश के नहीं लेने, तो यानी इसका मतलब हिंदी और मैथ यानी कॉमन, तो हिंदी और मैथ में कॉमन आए 8 और ये 10 18, लेकिन इंग्लिश वाले नहीं लेने तो 10 हट जाएंगे, तो केवल आएंगे 8 आएंगे इसमें, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, और इसको कहते हैं रेंज, यही होता है ना डोमेन और रेंज, ठीक। डोमेन यानी प्रांत और रेंज यानी परिसर। क्वेश्चन क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये कह रहा है कि ए कोई सेट है, ए ए दे रहा है 1 और 4 का ओपन इंटरवल, यानी ए में आप 1 और 4 को नहीं ले सकते, इसके बीच की ले सकते हैं, तो इसमें बेटा रेंज पूछी है,
रेंज किसको कहते हैं? परिसर को। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, 2.5, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 पे तो क्लोज इंटरवल है, 5 पे ओपन, और डी ऑप्शन है 1 और 5 दोनों पे क्लोज इंटरवल है। देखो बहुत सीधा, अब यहां समझना बेटा ध्यान से, ट्रिक पर देखना ट्रिक क्या है, सभी बच्चे ट्रिक पर देखना ध्यान से। हाँ सभी बच्चे ये देखना ट्रिक क्या लगेगी, थोड़ा ढंग से है ना। देखो अब इसमें ये कह रहा है कि ये देखो ये जो आपके ए है, ए क्या है, डोमेन में है। डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो अगर मैं इनको यहां पे रखूं, यहां पे इनको रखूं, तो आप देखोगे कि यहां सिस्टम क्या बनेगा, ढंग से देखना। जब मैं इसमें सबसे पहली बात, जब मैं इसमें 4 को रखूं, जैसे 4 को रख के देख रहा हूं, तो एफ ऑफ 4 देखना क्या होगा कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 16 ये 5 हो गया। तो आपको पता है कि 4 को रखने पर 5 आ रहा है इसका, और 4 आप रख नहीं सकते क्योंकि 4 पे ओपन इंटरवल लगी है। इसका मतलब कि 5 आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो इस हिसाब से देखें तो यहां पर 5 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो डी तो कट गया, क्योंकि डी कह रहा है कि 5 पे क्लोज इंटरवल है, ये कह रहा है 5 आना चाहिए, और जबकि आप देख रहे हो 5 तो आ नहीं रहा। तो एक ऑप्शन तो ये कटा, क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो अब देखते हैं आगे। आप जानते हो कि जो रेंज होती है उसे एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स को वाई मान सकते हैं इन शॉर्ट। तो चलो यहां पे लाइन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल वाई। अब यहां रेंज निकालने का देखना तरीका, हमने क्या पढ़ा था 12th क्लास में कि यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, आप जानते हो इसका सॉल्यूशन कोई तभी आ सकता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, यही होता है। बी कितना है, माइनस 4 का 16, और 4 इंटू ए तो 1 है इसका कोफिशियंट, और सी कितना है 5 माइनस वाई, ठीक बेटा। ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4y, और इसे सॉल्व करोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी कह रहा है y किसको कहते हैं, y कहते हैं किसको, रेंज को, है ना, रेंज को। तो ये कह रहा है रेंज की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा है। हाँ बेटा ध्यान से समझो सभी, ये कह रहा है रेंज 1 या 1 से ज्यादा है। तो अब देखो 1 को भी कहने का मतलब वो ले रहा है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें वो 2 को भी नहीं ले रहा, 2 से आगे ले रहा है जैसे 3-4, तो 1 को नहीं ले रहा, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है रेंज में 1 शामिल है। बी ऑप्शन में 1 लिख तो रहा है लेकिन 1 पे ओपन इंटरवल लिख रहा है, तो ओपन का मतलब है कि 1 को नहीं लेना, जबकि वो कह रहा है मैं 1 को लूंगा, तो ये भी गलत हो गया, और ये ऑलरेडी गलत हो चुका है 5 को लेने की वजह से। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, सी, क्योंकि सी कह रहा है कि मैं 1 तो ले रहा हूं लेकिन 5 नहीं ले रहा हूं, जैसा कि आपने निकाला था कि 5 नहीं लेना लेकिन 1 लेना है, इस तरीके से की वैल्यू पूछी है। और ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि x ग्रेटर देन 10, बी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 माइनस 10, ये कह रहा है 0 में से 10 हटा के, ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और डी कह रहा है x ग्रेटर देन 0 बट 1 को नहीं लेना है। ये देखो चारों ऑप्शन का मतलब क्या है, पहले मैं ऑप्शन का मतलब बता देता हूं, सामने देखना बेटा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10 से बड़ा लेना है ए, मतलब पहला ऑप्शन x की वैल्यू 10 से बड़ी आएगी। दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आएगी लेकिन 10 को नहीं लेना है। सी कह रहा है कि 10 या 10 से बड़ी कुछ भी आ सकती है, और डी कह रहा है कि 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आएगी लेकिन 1 नहीं लेना। देखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेस चेंज फॉर्मूला, कौन सा बेटा, बेस चेंज फॉर्मूला, आधार परिवर्तन नियम। कोई बच्चा बता सकता है बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके, किसी को पता है बेटा बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है,
बोलो, बेस चेंज फॉर्मूला। देखो बेस चेंज फॉर्मूला ये होता है कि लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी ये होता है आपका लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि इसी तरीके से अगर मैं ये जो लॉग टेन बेस एक्स है इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग टेन अपॉन लॉग एक्स, है ना। अब आपको दिख रहा है कि लॉग टेन की वैल्यू, देखो अब यहाँ पे सारा मामला एक्स का है कि एक्स को क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ वन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी वन? क्यों नहीं लेनी वन बोलो? क्योंकि लॉग वन का मान जीरो होगा, और जीरो का अगर आपने लॉग टेन में डिवाइड किया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे सभी ऑप्शन जो वन को ले रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, ये कह रहा है मैं जीरो से बड़ा कुछ भी ले रहा हूं, दस को नहीं ले रहा, इसका मतलब ये वन को ले रहा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वन तो है ही नहीं, है ना। ये बाकी तीनों ऑप्शन वन को ले रहे हैं तो वो बच गए। अब देखो बाकी लॉग के अंदर आप जानते हो चाहे कुछ भी वैल्यू आए उसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? कमेंट करके ऑप्शन बता दो जल्दी, कमेंट करके ऑप्शन बता दो बेटा जल्दी। हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, जल्दी बोलो बेटा जल्दी। ऑप्शन अभी तक बेटा आया नहीं, कमेंट में जल्दी बताओ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये कह रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक। और इसका डोमेन पूछा है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, 0, ∞, बी है 0, ∞, सी है 2, 3 और डी है आपका 2, 3 का ओपन इंटरवल। एक्टिव रहो बेटा सारे स्टूडेंट, देखो ध्यान से। अब इसमें अपने को इसका डोमेन पूछा है ना, इसका डोमेन, तो देखना इसका डोमेन क्या होगा। देखो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना डोमेन निकालने के लिए, दो ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखो ट्रिक नंबर वन, ये ट्रिक आप भले ही नोट कर लेना, अगर कभी भी कोई फंक्शन अपॉन में है, डिनोमिनेटर हर में है, तो हमेशा एक्स की वैल्यू वो होगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो। सही है ये? जैसे कि मान लो किसी ने आपसे कहा कि एफ ऑफ एक्स मान लो 1/(x-1) है, कि इसका डोमेन बताओ, तो आप कहोगे इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होगी लेकिन 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1-1 जीरो हो जाएगा, और 1/0 इंफिनिटी। तो अपॉन वाले में तो हमेशा ध्यान रखना कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। और दूसरी ट्रिक आपको बता रहा हूं, अगर ये दो ट्रिक समझ गए तो समझ लो डोमेन के सवाल हो गए बिल्कुल सही। अगर एफ ओ पैक्स रूट के अंदर है तो हमेशा ट्रिक ये होती है कि एफ ओ पैक्स हमेशा जीरो से जो है जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? ये बस ये दो ही ट्रिक के सवाल आते हैं, डोमेन में ज्यादा कोई लंबी कहानी नहीं आनी है। देखना ध्यान से अब क्या सिस्टम है। देखो बेटा अब यहां आपका जो रूट के अंदर का पोर्शन है, आपको पता है कि रूट के अंदर का जो भी पोर्शन है वो आपका कैसा आना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए। तो देखते हैं, नंबर लाइन बना लो। देखना अगर आप इनकी जीरो से कंपैरिजन करो तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ रही है ना, 2 और 3। तो 2 से छोटी वैल्यू लेके देखो जैसे 1, तो अगर मैं 1 लेके देख रहा हूं तो 2-1 1 हो रहा है, और ये 2-3-1 हो रहा है। सॉरी क्या लिया था, 1 लिया था आपने, तो 1-3-2, तो 1 × -2 - 2 हो रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो कह रहा है जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए। तो 2 से छोटी वैल्यू इसका मतलब हम नहीं ले सकते। तो अगर नहीं ले सकते तो पहले तो देखो 2 से छोटी तो कौन हुई, 1 भी हुई, तो 1 को कौन ले रहा है, 0, ∞ इसमें 1 आ रही है, ये गलत हो गया, 0, ∞ इसके बीच में भी 1 आ रही है, तो ये तो इनकी पिक्चर तो फिट गई। अब डी देखते हैं, डी देखो
सारा गेम अब सी और डी पर बचा है ना, सी और डी पर। सी कह रहा है कि मैं दो और तीन को भी लूंगा और इनके बीच की भी लूंगा, और डी कह रहा है कि मैं दो और तीन के बीच की तो लूंगा लेकिन दो और तीन को नहीं लूंगा। तो चलो दो को रख के देखते हैं, दो को, दो को जब आप रखोगे टू माइनस टू जीरो, यानी पूरा जीरो हो गया। वो कह रहा है जीरो मुझे चल, जीरो तो चल जाएगा, तो इसका मतलब दो भी चल जाएगा, दो चल जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा, है ना। ये आंसर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। बोलो बेटा कोई आइडिया किसी स्टूडेंट का, बताओ जल्दी, एनी आइडिया स्टूडेंट, कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखो सामने कोई आइडिया नहीं लग रहा, आप सामने देखो, देखो ये कह रहा है थ्री की पावर वन प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स। तो आप ये देखो एफ ऑफ एक्स की जब थ्री की पावर वन प्लस एक्स है तो एफ ऑफ वाई की क्या होगी, थ्री की पावर वन प्लस वाई वन प्लस जेड। दे सेम हो तो ऊपर पावर एड हो जाती है, तो ऊपर पावर एड होंगी तो हो जाएंगी थ्री प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये आंसर इनमें से जिस ऑप्शन का आएगा वही अपना आंसर है। तो चलो पहले इसको देखते हैं, आप ये देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, थ्री की पावर वन प्लस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ जो भी आएगा उसको किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ वन ले जाओगे तो वन प्लस वन यानी ये भी टू हो जाएगा, तो ये भी गलत है जबकि क्योंकि हमें थ्री लाना है। तीसरा ऑप्शन सी है, जब मैं इसको पूरे को ले जाके वहां एक्स की जगह रखूंगा तो थ्री की पावर वन प्लस, ये तो पहले से है, एक्स की जगह जब आप इसको रखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू, तो टू प्लस वन होगा थ्री, और यही अपने को लाना है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन। प्रकाश स्वामी 27, ये क्या है बेटा 27 क्या है प्रकाश स्वामी, 27 तो क्या है बेटा, अच्छा आप ये कह रहे हो, अच्छा ठीक है। फैक्ट्स मैं बता देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, और इसमें भी डोमेन पूछा है। अब ये आप सभी बच्चों का टेस्ट है, अब आपको दी जाएगी इसमें एक मिनट, और मैं देखूंगा एक मिनट के अंदर कौन बच्चा मुझे इसको करके दिखाएगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बी है फोर कोमा इंफिनिटी, सी है आपका वन फोर का ओपन इंटरवल यूनियन फोर इंफिनिटी, डी है वन फोर का क्लोज इंटरवल यूनियन फोर कोमा इंफिनिटी का ओपन। चलिए अब ऑप्शन आपको बताना है, ये चैलेंज है सभी बच्चों के लिए, देखते हैं सही आंसर कौन देगा। आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, देखते हैं सही आंसर कौन देगा बेटा, बताओ जल्दी। बोलो जल्दी बेटा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन प्रकाश ने बताया सी ऑप्शन, देखते हैं सी आएगा कि नहीं आएगा। देखो पहली बात तो एक यहां क्लियर है कि अपॉन में कौन है, एक्स माइनस फोर, तो मैंने बताया था कि अपॉन की जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, ये नहीं तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो पहली बात तो ये कि फोर नहीं ले सकते, तो जो भी ऑप्शन फोर को ले रहा है वो हो गया गलत। तो बी ऑप्शन पे फोर का क्लोज इंटरवल लगा यानी ये फोर को ले रहा है, तो इसकी पिक्चर तो पिट गई। बाकी आप देख रहे हो डी भी, डी की पिक्चर भी पिट गई। डी क्यों पिट गई, क्योंकि डी में भी फोर पे क्लोज इंटरवल लगा है, ए और टी तो वही काम से, अब बचे ए और सी, ठीक, बी और डी तो वही। आपको पता है रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए,
तो जब मैं 1 को उधर ले जाऊंगा x greater than equal to 1 आ रहा है, यानी ये कह रहा है कि 1 से बड़ी भी लेनी है, 1 भी लेनी है, 1 भी लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सी ऑप्शन, अब देखो यहां देखना ध्यान से, जो आप ये कह रहा है 1 भी लेना है, 1 भी लेना है, लेकिन अब जो सी ऑप्शन है वो 1 पे लगा रहा है ओपन इंटरवल, तो यानी ये 1 को छोड़ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि मैं 1 को लेना चाहता हूं, तो सी ऑप्शन की पिक्चर भी फिट गई है ना। अब सही ऑप्शन कौन सा बचा, ए, कौन सा बचा, ए बेटा बोलो, जब बनिया 1 से बड़े लेने हैं, बनिया 1 से बड़े, बनिया 1 से बड़े में, तो फिर ये तो बात सही गई बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश प्रकाश, हाँ डेफिनेट डेफिनेट। देखो इसका मतलब ये तो कह रहा 4 से कम माइनस के भी लेने हैं, तो ये तो नहीं आएगा बेटा, ये तो नहीं आएगा, ये तो फिर ए ऑप्शन भी गया, फिर तो सी ऑप्शन ही आएगा। सी ऑप्शन भले ही 1 को नहीं ले रहा है लेकिन 1 से आगे ले रहा है, सी ऑप्शन ही आएगा, सी ऑप्शन, शाबाश बेटा प्रकाश, शाबाश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सेट थ्योरी रिलेशन पिछली साल हटा दिया था तो उन्होंने पढ़ा नहीं, और क्योंकि ये कंपटीशन में आएगा, कंपटीशन में थोड़ी वो ये कहेंगे कि पहले हटा दिया था, है ना भाई, भले ही हटा दिया लेकिन आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं ध्यान से, तो पहला ऑप्शन है बेटा माइनस इंफिनिटी 0 का ओपन इंटरवल है, सेकेंड ऑप्शन है 0 टू इंफिनिटी है, थर्ड ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड डी ऑप्शन है आपका माइनस इंफिनिटी और 0। क्लियर। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में क्या डिफरेंस है कि ये तो 0 पे ओपन इंटरवल लगा रहा है यानी 0 को ले नहीं रहा, और ये 0 पे क्लोज लगा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको 30 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो, 30 सेकंड बेटा दे रहा हूं मैं, जल्दी ट्राई करो। हाँ हाँ बेटा 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी एक बार ट्राई करके बताओ मुझे। हाँ बोलो जल्दी। हाँ बेटा आंसर बेटा किसी का आया क्या? चलिए देखते हैं क्या ट्रिक लगेगी, सभी सामने देखना है ना, सभी सामने देखना क्या ट्रिक लगेगी। देखो देखो ध्यान से, अब देखना ऑप्शन आपके सामने है, आपको पता है मैंने बताया था कि जो रूट के अंदर की टर्म होती है, रूट के अंदर की, उसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। ये डोमेन का मतलब तो आप जानते ही हो, डोमेन का मतलब होता है x का मान निकालना, x की वैल्यू। तो देखो यहां पर अब आप देख रहे हो क्योंकि ये रूट 1/1 में है इसलिए 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 0 हो गई तो 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए अपने को सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन, ये एक्स उधर जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब आपको पता है मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स तभी हो सकता है जब एक्स जो है वो नेगेटिव हो, क्या हो, एक्स नेगेटिव। कैसे, देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक्स की वैल्यू आप -2 ले रहे हो, तो आप देख रहे हो कि मॉड ऑफ -2 हमेशा -2 से बड़ा होगा क्योंकि मॉड माइनस को खा जाएगा, है ना इस तरीके से। लेकिन अगर आप +2 लें, जैसे एक्स इक्वल मारो +2 लिया, तो आप देखोगे कि मॉड 2 और 2 ये इससे मॉड 2 2 से बड़ा नहीं होगा बल्कि इसके बराबर होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको पता है 0 ग्रेटर देन 0 सही नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम, यानी हमारा जो एक्स का आंसर होगा, हाँ नेगेटिव नंबर, सही है बेटा सही है।
हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन। तो इसका मतलब जीरो पर जो क्लोज इंटरवल है वो भी नहीं आएगा, है ना, ये जीरो पर जो क्लोज इंटरवल है बेटा वो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो जो डी ऑप्शन है वो अब कैंसिल हो गया हमारे पास से। ठीक, बोलो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी की। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपको एफ सच दैट आर टू आर दिया हुआ है, ठीक है, और इस बार आपसे पूछी है रेंज। रेंज किसको कहते हैं बेटा, परिसर को कहते हैं, परिसर को। और ये भी एनडीए 2018 का ही क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से हैं। पहला ऑप्शन है जीरो टू वन, यानी जीरो ले रहा वन नहीं ले रहा। सेकंड ऑप्शन है आपका जीरो वन का क्लोज इंटरवल। सी ऑप्शन है जीरो का ओपन और वन का क्लोज। और डी ऑप्शन है आपका जीरो वन का ओपन इंटरवल। देखो चारों ही ऑप्शन जीरो और वन के बीच की वैल्यू को ले रहे हैं, है ना, यानी केवल जो दिक्कत आ रही है वो जीरो और वन की आ रही है। जैसे ये जीरो को ले रहा है वन को छोड़ रहा है, ये जीरो और वन दोनों को ले रहा है, ये जीरो को छोड़ रहा है वन को ले रहा है, ये जीरो और वन दोनों को छोड़ रहा है। तो अब हमें चेक किस पर करना है, जीरो और वन पर। हाँ बेटा सामने देखो सभी बच्चे, इधर सामने देखना, वैल्यू आती है कि नहीं, और अगर रियल आ गई तो वो वैल्यू तो चलेगी, और जिस पे रियल नहीं आई उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो देखते हैं वाई की वैल्यू पहले जीरो रखे, है ना, तो वाई की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तो जीरो इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में जीरो हो गया, एक्स इक्वल जीरो जो कि रियल नंबर है। इसका मतलब जो वाई इक्वल जीरो हमने रखा था वो आपका पास हो गया, है ना ये। अब हम वाई की वैल्यू वन रख के देखते हैं इसमें, तो वन इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां कैंसिल करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहां आप देख सकते हो कि जब मैं एक्स स्क्वायर यहां पर ले रहा हूं तो ये कैंसिल हो रहा है, यानी x की वैल्यू हमको एक रियल नंबर नहीं मिल रही, x खुद ही कैंसिल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा वीडियो क्लियर अब दिखाई दे रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, बस फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बोलो जल्दी बताओ बेटा। वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। देखो गॉफ ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फोग ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री, अब कोई प्रॉब्लम बाई थ्री माइनस गॉफ ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री है, तो गॉफ को हम कहते हैं जी ऑफ एफ एक्स, क्या कहते हैं बेटा, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या अचीवमेंट 1.6 हो रहा है, क्या हो रहा है 1.6। अब जी आई वैल्यू आप निकालना जानते हो कि जो माइनस 1.6 है वो किस किस के बीच में आएगा, वो आएगा माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में। तो जी आई फंक्शन जो होता है वो हमेशा छोटी वैल्यू को लेता है, तो छोटी वैल्यू कौन सी आएगी आपका, तो यहां आपका आएगा प्लस 2, क्लियर, ये तो गॉफ ऑफ माइनस, इसकी वैल्यू तो आई है आपकी 2, ठीक है, ये गॉफ ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री। लेकिन अभी आपको फॉग भी निकालना है, तो देखना फॉग कैसे निकलेगा, फॉग माइनस फाइव बाई थ्री, फॉग को आपको पता है कि मैं एफ ऑफ जी लिख सकता हूं, ये सॉरी एफ ऑफ जी लिख सकता हूं। अब ये जी जो माइनस फाइव बाई थ्री लिखना है, जी वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा, ये जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। तो यहां मॉड के अंदर जब माइनस फाइव बाई थ्री रखेंगे तो मोड माइनस को खा जाएगा, तो आपका आएगा प्लस फाइव बाई थ्री। अब आपको पता है एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह रखना है, तो एफ एक्स है जी आई एक्स,
तो जीआई के अंदर जब आप इसे रखेंगे तो 5/3 है, तो ये 1.6 होता है। जीआई हमेशा किसको लेता है, छोटे में जाके कार रख दो, जो वैल्यू अपनी थी +2 और इसकी वैल्यू आई थी आपकी 1, तो 2 - 1 हो गया 1। या हाँ बेटा, अब कुछ वीडियो में कुछ सुधार हुआ क्या? आज ये थोड़ी नेट की बफरिंग चल रही है बेटा, बाकी आप देखते हो डेली तो बिल्कुल वीडियो सही चलता है, आज ये प्रॉब्लम है ही इसमें। चलिए देखते ध्यान से। तो इसमें बेटा ऑप्शन आपके मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन कौन से हैं, -1, 0 और +1 and 2, ये आपके ऑप्शन है ना, ये चारों। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। तो अब देखो, सबसे पहले तो वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है f(f - 9/5) की, ठीक। फिर वैल्यू किसकी निकालनी, g(g - 2) की। कैसे, देखिए इसको आप लिख सकते हो f(-9/5) + g(, इसको कैसे लिख सकते हैं, g - 2, ठीक। ढंग से देखना बेटा, ढंग से। तो अब आप देखो एफ ऑफ इस -9/5 को एफ के अंदर ले जाओ, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका जी आई एक्स, तो ये आपका हो जाएगा जी आई ऑफ माइनस के, ये 5 का 9 में डिवाइड करोगे 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 पॉइंट आपका यहाँ 4 8 आ जाएगा 1.8। चलिए ठीक है, जी ऑफ इस -2 को किसमें रखना है, जी वाले फंक्शन में। तो जी वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, gx इक्वल मोड एक्स। तो मोड एक्स में जब आप इस -2 को रखोगे तो -2 ये हट जाएगा, या भी लिख लेता हूं चलिए मैं एज इट इज। अब फिर से इस -1.8 का gi मान निकालना है, gi, ठीक। तो इसका gi मान क्या होता है बेटा, -1.8 का gi मान होता है -1, क्यों, सॉरी -2। -2 क्यों होगा बताओ, क्योंकि -1.8 -2 और -1 के बीच में आता है ना ये। तो जीआई हमेशा किसको लेता है, छोटी वैल्यू को लेता है। तो इसका वैल्यू हो गया -2, ठीक, -2 हो गया। अब इसका मोड आप जानते हो, माइनस को खा जाएगा तो यहां 2 आएगा। अब ये जो -2 दिख रहा है इसको फिर से एफ वाले फंक्शन में रखना है, एफ वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा fx = gix। तो gi के अंदर जब हम -2 को रखेंगे और यहां इसको g के फंक्शन में रखो, यहां mod of 2, तो यहां देख सकते हो -2 का gi वैल्यू तो हो गया -2 ही रहेगा, क्योंकि gi इंटीजर में अनचेंज रहता है, gi मान होता है वो का वही रहता है, और 2 का मॉड हो गया +2, तो -2 + 2 आपका हो जाएगा कितना, 0। तो ये बी ऑप्शन आपका कितना आ गया, बी वाई करके देखना, एफ सच दैट आर टू एस एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल 4 sin x - 3 cos x + 1। और ये कह रहा है कि इसमें एस की वैल्यू पूछी है, एस की, और ऑप्शन आपके सामने ये है -5, 5 का क्लोज इंटरवल, -5 और 5 का ओपन इंटरवल, -4, 6 का ओपन इंटरवल और -4, 6 का क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये एस की वैल्यू क्या होती है, देखो जब कोई फंक्शन इस तरह से होता है जैसे a टू b,
तो आगे की वैल्यू जो होती है वो तो डोमेन यानी प्रांत को डिनोट करती है ना। और एस जो पीछे की, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि कभी भी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी नहीं आना। कैसे पता? लेकिन बाकी स्टूडेंट को भी तो नहीं दिखाई दे रहा। तेरे में एयरटेल का है? मेरे से जियो करके देखना, जी सिम बन से कैमरा चल तो कर लेते उसमें क्या। हाँ बेटा इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। कि मैसेज आया, इस वजह से हो सकता है डेटा 10 MB बाकी, ऐसा क्यों बोल रहा है? जियो पे लगा के देख। सिम्बन इसमें तो सही है सब। हाँ सर, आप अभी कहाँ से क्लास ले रहे हो? मैं जयपुर से क्लास ले रहा हूँ, जयपुर से। चलिए ठीक है, नेटवर्क है लेकिन आज क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है ही। चलिए बेटा कोई नहीं, अब इस नेटवर्क का तो देखो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, अब इसमें तो अपना कोई फॉल्ट ही नहीं है, आपको पता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को तो पूरा कर ही लेते हैं, है ना। या आज के वीडियो को फिर यहीं पोज करते हैं, नेट ही नहीं चल रहा तो फिर क्या फायदा है। आप लोगों का क्या सजेशन है बेटा? आज के वीडियो को